आपको अहम खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द अमल। कहा कि हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? मजीद कहा कि पहले बताया जाए सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं, हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? इसी पर मज़ीद बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द अमल। कहा कि हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं, इसी पर मज़ीद बात करेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताएगा बैरिस्टर गौहर की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानब से जो मुज़ाकरात की पेशकश है उस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि हुकूमती जमात का जो तर्ज अमल है वो सियासी नहीं है। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें, क्या मुज़ाकरात की दावत किस तरह होती है? पहले बताया जाए कि सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं, हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, जो जुल्म और ज्यादतियां आज भी जारी रखे हुए हैं, आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है और ये लोग जो चादर और चार दीवारी है इसको मुसलसल पामाल कर रहे हैं, और जो हुकूमत का मौजूदा जो तर्ज अमल है वो सियासी नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो मुज़ाकरात की ये दावत दे रहे हैं वो उसमें संजीदा हो? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।